संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृतमय वाणी सहनशील बने। जब भारत के सम्राट अशोक थे, उस समय पंजाब में किसी बात को लेकर बलवा आरंभ हुआ। उसको शांत करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को भेजा। वहां जाकर कुणाल ने बलवा को शांत किया। थोड़े दिनों के बाद कुणाल की वी माता तिस्य रक्षिता ने वहां के पदाधिकारी को पत्र लिखा कि आप कुणाल की दोनों आंखें निकाल कर उसे वहां से बाहर कर दें। उस पत्र पर अशोक की मोहर थी, जो तिस्य रक्षिता ने सम्राट से छिपाकर दे दी थी। पत्र पाकर पदाधिकारी ने वह कुणाल को दिखाया। कुणाल ने पत्र पढ़ा और देखा कि उस पर सम्राट की मोहर है। उसने कहा कि सम्राट की जैसी आज्ञा है वैसा आप करें। कुणाल के ऐसा कहने पर उनकी दोनों आंखें निकाल ली गई और उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया। छोटी रानी तिस्य रक्षिता ने ऐसा इसलिए करवाया कि वह कुणाल की सुंदरता पर मोहित हो गई थी और उसके सामने अपना मनोभाव भी व्यक्त कर दिया था, परंतु कुणाल ने उसका निंदित प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। इसी रोष के कारण उसने ऐसा करवाया। कुणाल के साथ उसकी पत्नी भी थी। कुणाल बहुत अच्छा संगीत गाता था। उसके संगीत सुनकर लोग कुछ खाने को दे देते थे। इस तरह घूमते घामते वह पत्नी के साथ सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र आ गया। वर्तमान पटना ही पाटलिपुत्र पहले कहलाता था। सम्राट के घोरों के दारोगा ने कुणाल का गीत सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कुणाल से कहा कि तुम मेरे पास रहो, इधर उधर कहाँ भटकोगे। जब जब गाने को कहूँगा तब तब गाना, खाने पीने को कुछ दे दिया करूँगा। कुणाल वहीं रहने लगा। एक दिन रात के समय कुणाल भजन गा रहा था। सम्राट अशोक को उस रात किसी कारणवश नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी की हालत में अपने महल की छत पर टहल रहे थे। जब कुणाल का गाना सुना तो उन्हें बड़ी शांति मिली। उन्हें लगा कि यह कुणाल की आवाज है। सवेरे पता लगाने पर मालूम हुआ कि घोरे के दरोगा के यहाँ कोई गीत गा रहा था। अशोक ने दारोगा के द्वारा गीत गाने वाले को बुलवाया। कुणाल उनके सामने आया तो उन्होंने उसे पहचान लिया। बोले, तुम कुणाल हो? कुणाल ने कहा, हाँ पिताजी, मैं कुणाल ही। अशोक की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रुंधे कंठ से पूछा, कुणाल, तुम्हारी यह हालत किसने की है? कुणाल ने कहा, पिताजी, आपके ही आदेश पर तो मेरी ऐसी दशा हुई है। यह कहकर कुणाल ने रानी द्वारा भेजा गया पत्र निकाल कर दिखाया। अशोक ने देखा कि पत्र पर उनकी मोहर थी, परंतु लिखावट रानी की थी। सम्राट ने छोटी रानी की करतूत जानकर कुणाल से कहा, बेटा, तुम्हारी यह दुर्दशा जिसने की है, कहो तो उसे जिंदा जला दूं। कुणाल ने कहा, नहीं पिताजी,
उसने मेरी बाहर की आंखें निकलवा ली है, परंतु उसकी कृपा से मेरी अंदर की आंखें खुल गई है। आप उसको दंड न दें, यह तो मेरे कर्म का फल है। तो ऐसे सहनशील थे कुणाल, और यह बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। आप लोग इस पर विचार कीजिए। श्री सतगुरु महाराज की जय।